नमस्कार, नमो नमः। हम पढ़ रहे हैं तर्क भाषा। पिछले भाग में हमने तर्क भाषा के अंतर्गत जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रमाण के जो भेद हैं उनमें जो प्रथम है प्रत्यक्ष प्रमाण, उस पर चर्चा की थी। इसका लक्षण हमने बताया था साक्षात्कारी प्रमा प्रत्यक्षम, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। ऐसा ही हमने प्रत्यक्ष ज्ञानकरणम प्रत्यक्षम भी पढ़ा था। इसके पश्चात षड्विध इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, छह प्रकार का प्रत्यक्ष और उस प्रत्यक्ष किन किन साधनों से क्या क्या उसके करण हैं, तो तीन प्रकार के करण भी पढ़े थे। जो कोई जैसे इंद्रिय है वह भी उस प्रत्यक्ष के ज्ञान में एक करण है। कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, जो इंद्रिय के अर्थ के साथ सन्निकर्ष जो होता है। तीसरा था ज्ञान। ये तीन जो है उस प्रत्यक्ष की प्राप्ति में साधन या करण होते हैं। उसके पश्चात हमने षड्विध इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पर चर्चा की थी। वह षड्विध इंद्रियार्थ सन्निकर्ष छह प्रकार का है। हमने पढ़ा था वह छह प्रकार कौन कौन से हैं, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेत समवाय, समवाय, संवेत समवाय और विशेष्य विशेषण भाव। ये हमने कल पढ़े थे। आज हम जो दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण, उस पर चर्चा करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर भी पुस्तक है, उसमें देख सकते हैं, या आप स्वयं भी पुस्तक लेकर के बैठे होंगे, ऐसी आशा है। अनुमानम, लिंग परामर्शो अनुमानम, येन ही अनुमीयते तद अनुमानम। लिंग परामर्शेन चा अनुमीयते अतो लिंग परामर्शो अनुमान। कहता है लिंग परामर्श अनुमानम, लिंग का परामर्श, लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं, जिससे येन ही अनुमीयते तद अनुमानम, जिससे अनुमिति हो, अनुपश्चात मिति ही प्रमिति ही, अनुमान अनुमिति करणम अनुमानम, यह हमने पढ़ा है। अनुमिति का जो करण है वह अनुमान है, लेकिन यहां पर उसकी परिभाषा या लक्षण दूसरा है, लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग परामर्श अनुमान है। दो शब्द हैं लिंग परामर्श, इनके विषय में थोड़ा जानना चाहिए कि जो इस लक्षण में लिंग और परामर्श ये दो शब्द हैं कि इनको जाने बिना यह लक्षण भी स्पष्ट नहीं हो सकता।
यह आगे बताएगा भी, फिर भी हम थोड़ी चर्चा इस पर करते हैं कि लिंग क्या है और परामर्श क्या है। तो लिंग का लक्षण है व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम। व्याप्ति बल के द्वारा जो अर्थ का बोधक है वह लिंग है। व्याप्ति के द्वारा जो अर्थ का बोधक है, अब यहां एक नया शब्द और आ गया, व्याप्ति। व्याप्ति क्या है? आप सभी ने व्याप्ति के विषय में पढ़ा भी होगा तर्क संग्रह के अंतर्गत, जिसमें उसका लक्षण आया था साहचर्य नियमों व्याप्ति। इस साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहनी, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, इस साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। और इस व्याप्ति के बल से जो अर्थ का बोधक है वह लिंग कहा जाता है। जैसे जो धुआं है वो आग का लिंग है, पर्वत आदि पर उस धुएं को देखकर कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, इस साहचर्य नियम के आधार पर या इस व्याप्ति के आधार पर जब अप्रत्यक्ष जो दिखाई नहीं दे रही ऐसी अग्नि का ज्ञान होता है, तो वह धूम जो ज्ञान कराता है, तो वो धूम जो है या धुआं जो है वो उस आग का लिंग कहलाता है। लिंग शब्द की अगर हम निरुक्ति या व्युत्पत्ति करते हैं तो इस प्रकार से करेंगे, लीनम अप्रत्यक्षम अर्थम गमयति इति लिंगम। जो लीन अर्थ है, छिपा हुआ अर्थ है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्षम इसलिए कहा, जो प्रत्यक्ष नहीं है, लीनम अप्रत्यक्षम अर्थम गमयति इति लिंगम। यह इसकी व्युत्पत्ति होती है। लिंग के पश्चात दूसरा शब्द है परामर्श। परामर्श का भी लक्षण हमें उपलब्ध होते हैं, या इसकी व्याख्या हम दो प्रकार से कर सकते हैं। लिंगस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्शम, कि लिंग का तीसरा जो ज्ञान है वह परामर्श है। तीसरा ज्ञान क्या है, ये आगे हम व्याख्या करेंगे। दूसरा, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श है। देखिए आगे, तच्च धूमादि ज्ञानम अनुमिति प्रतिकरणत्वात्। तच्च और उस लिंग के धूमादि ज्ञानम अनुमति, कहें लिंग परामर्श से जो धूमादि ज्ञान है अनुमिति प्रतिकरणत्वात्। अनुमिति प्रतिकरण होने से, अर्थात अनुमिति के प्रतिकरण होने से, अगण्यादि ज्ञानम अनुमिति ही, जो अग्नि आदि का ज्ञान है वह अनुमिति है। तत्करणम धूमादि ज्ञानम, और वह अग्नि आदि का ज्ञान किससे होता है, तो कोई साधन तो चाहिए। साधन क्या है?
तत् करणम धूमादि ज्ञानम, उसका कारण कौन है, उस आग को बतलाने वाला कौन है, धूमादि ज्ञान है। किम पुनर्लिंगम, कश्च तस्य परामर्शः, किम पुनर्लिंगम, फिर वह लिंग किसे कहते हैं, कह च तस्य परामर्श, और उसका परामर्श क्या है। उच्चते, नीचे कहते हैं, व्याप्ति बलेन अर्थगमकम, व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम, यथा धूमादि ज्ञानम, यथा धूमो अग्नेर लिंगम, तथा ही यत्र धूमस तत्र अग्निरिति सहचर्य नियमो व्याप्ति ही। तस्याम गृहितायाम एव व्याप्तौ धूमा धूमो अग्निम गमयति, अतो व्याप्ति बलेन अग्नयु मापकत्वात् धूमो अग्नेरलिंगम, द्वारा देखें, किम पुनः लिंगम, वह दोबारा लिंग किसको कहते हैं, अर्थात उसका परामर्श क्या है। तो उच्चते कहते हैं, व्याप्ति बलेनार्थ गमकम लिंगम, व्याप्ति के बल से, व्याप्ति बलेनार्थ, व्याप्ति के बल से अर्थगमकम, जो अर्थ तक ले जाने वाला है, अर्थ का बोधक है लिंगम, वह लिंग कहलाता है। यथा धूमो अग्नेर लिंगम, जैसे धूम अग्नि का लिंग है, तथा ही जैसे यत्र धूमस तत्र अग्निरिति, जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, इति सहचर्य नियमो व्याप्ति ही, यह सहचर्य नियम व्याप्ति कहलाता है। तस्याम गृहितायाम एव व्याप्तौ, तो तस्याम व्याप्तौ, उस व्याप्ति के गृहितायाम एव, ग्रहण होने पर ही धूमो अग्निर अग्निम गमयति, धुआं अग्नि का ज्ञापक होता है। अतो व्याप्ति बलेन अगन्ययु अगन्य नुमापकत्वात् धूमो अग्नेर लिंगम, अतो इसलिए व्याप्ति बलेन, व्याप्ति के बल के द्वारा अग्नि आग है, अग्ने अनुमापकत्वात्, उस अग्नि का या आग का अनुमापक होने से धूमो अग्नेर लिंगम, धुआं आग का लिंग है।
अग्नि का लिंग है। तस्य तृतीयम ज्ञानम लिंग परामर्श, तस्य उसका तृतीयम ज्ञानम लिंग परामर्श है, तीसरे प्रकार का तृतीय ज्ञान परामर्श कहलाता है। यथा ही या तथा ही, जैसे प्रथमम पहले, तावन महानसादौ उस महानस आदि में या रसोई घर में, भूयो भूयो धूमम पश्यन् वहनीं पश्यति, भूयो भूयो धूमम वहनीं पश्यति। बार बार धुआं देखता हुआ वहनीं पश्यति अग्नि को देखता है। जब हम रसोई घर में जाते हैं तो वहां देखते हैं, आजकल तो सब जगह गैस सिस्टम है, धुआं दिखाई नहीं देता, लेकिन जब गांवों में जाते हैं जहां लकड़ी से आग जलाई जाती है तो उसमें धुआं उठता है और धुएं के साथ साथ अग्नि भी दिखलाई पड़ती है। तो जब रसोई यह है तत् महानस आदि, ऐसा महानस आदि में रसोई घर में तो अग्नि के साथ धुआं देखता है, यह पहला है। इसलिए कहा ना तथा ही प्रथमम तावन महानस आदौ, और उसमें से जो पहला है महानस आदि में, भूयो भूयो धूमम पश्यन, बार बार धुएं को देखता हुआ वहनीम पश्यति अग्नि को देखता है। तेन भूयो दर्शनेन धूमागन्यो हो स्वाभाविकम संबंधम अवधारयति, यत्र धूमस तत्र अग्निरिति। तेन भूयो दर्शनेन, तेन उसके द्वारा, भूयो दर्शनेन बार बार देखने के कारण, देखने से धूमागन्यो धूम और अग्नि का स्वाभाविक संबंधम या स्वाभाविक संबंध अवधारयति, अवधारण कर लेता है, निश्चय कर लेता है कि जहां धुआं होगा वहां अग्नि भी होगी। यत्र धूमस तत्र अग्नि, जहां धुआं होगा वहां अग्नि होगी। यहां पर अग्नि होगी, अतः इसका अगर सामान्य व्याख्या करें या अर्थ स्पष्ट करें तो जितनी बार के दर्शन से इस स्वाभाविक संबंध या व्याप्ति का वह निश्चय होता है, वह सब मिलकर धूम का प्रथम दर्शन कहा जाएगा। व्याप्ति ग्रहण करने के बाद, ये व्याप्ति ग्रहण की ना, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वहनी, यह ग्रहण करने के बाद जो पर्वत आदि में धूम का दर्शन होता है। अब कभी कोई व्यक्ति जा रहा है और उसने देखा कि पहाड़ पर धुआं उठ रहा है, तो उसने सोचा पर्वत, उसने धूम का दर्शन किया, तो पर्वत आदि में धूम का दर्शन होता है, उस धूम को द्वितीय दर्शन समझना चाहिए। पहला कहाँ देखा था? रसोई घर में। दूसरा धुआं कहाँ देखा? पर्वत आदि पर। तो यह दूसरे प्रकार का दर्शन हमें जानना चाहिए। उस दूसरे दर्शन से जो पूर्व गृहित है, पहले वाला जो व्याप्ति है धूम और अग्नि की व्याप्ति का स्मरण हो जाता है। जब हमने धुआं देखा तो हमने धुआं देखते ही ध्यान आता है कि ये धुआं तो मैंने रसोई घर में देखा था। तो इस व्याप्ति स्मृति के बाद में, यानी ऐसी व्याप्ति स्मरण हो जाने के बाद में, वहनी व्याप्य धूम वांश्चायम पर्वतः, जो हमने ये व्याप्ति का स्मरण किया उसके बाद में अग्नि व्याप्य वहनी व्याप्य यानी वहनी से व्याप्त
धूमवान च अयम पर्वत, धूम से युक्त यह पर्वत है। इस प्रकार का जो ज्ञान है यह तृतीय प्रकार का ज्ञान है और यही अनुमिति के प्रतिकरण होने से अनुमान कहा जाता है। इसी तृतीय ज्ञान के बाद तस्मात पर्वतो वहनीमान है, यह वह पर्वत आग से युक्त है, भाई आग लग गई इसलिए पर्वत से, या कहें कि वह पर्वत अग्नि से युक्त है, वहनी से युक्त है, यह अनुमिति हो जाती है। इसलिए वहनी व्याप्य धूमवांश्च अयम पर्वतः, कि अग्नि से व्याप्त धूम वाला यह पर्वत है, यह तृतीय ज्ञान ही अग्नि के ज्ञान के प्रति करण है और इसी को अनुमान कहते हैं। इस तृतीय ज्ञान के जो तीसरे प्रकार का ज्ञान हुआ, कि पहला ज्ञान तो रसोई घर में हुआ, दूसरा उस धुएं को देख करके जब रसोई घर का स्मरण हुआ वह हुआ, और तीसरा निश्चित हो गया कि यह व्याप्ति का स्मरण होने के पश्चात में कि यह पर्वत धूमवान है, अग्नि से युक्त है। तो तीसरा, ये जो तीसरा प्रकार का ज्ञान है, थोड़ा और अंदर तक चलेंगे इसलिए समझने की भी जरूरत है। जो तीसरे प्रकार का ज्ञान है इसके दो अंश हैं, एक अंश है व्याप्ति, दूसरा है पक्षधर्मता। कि व्याप्ति का सहारा लेकर ही हम वहां तक पहुंचे हैं, और दूसरा ज्ञान क्या है, पक्षधर्मता। वहनी व्याप्य यानी अग्नि से व्याप्त है, जो इतना अंश है इसकी सूचना कहाँ से मिलती है, व्याप्ति से, इसकी सूचना हमें व्याप्ति से हो गई, पर्वत पर आग है, वहनी व्याप्य पर्वत है। धूमवांश्च पर्वतः, धूम से युक्त यह पर्वत है, इस अंश से धूम का पर्वत रूप पक्ष में अस्तित्व प्रतीत होता है, कि पर्वत पक्ष में हमें धुआं दिखलाई पड़ता है। इसी को पक्ष धर्मता ज्ञान कहा जाता है। जब पक्ष में हेतु प्राप्त हो, जैसे धुआं मिला, इस प्रकार का ज्ञान जो है पक्ष धर्मता है। इसलिए अनुमान के मुख्य दो अंश हुए, व्याप्ति और पक्ष धर्मता। वहनी व्याप्य धूमवांश्च अयम पर्वतः, इस तृतीय ज्ञान में ये दोनों अंश प्रतीत होते हैं, इसलिए इस तृतीय ज्ञान को व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान भी कह सकते हैं। व्याप्ति से युक्त है पक्ष धर्मता का भी ज्ञान कराता है, तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान कह सकते हैं। इसीलिए व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, पढ़ा ना, वह परामर्श क्या है, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। और लिंगस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्शः, यह भी कह सकते हैं लिंग के या हेतु के तीसरे प्रकार का जो ज्ञान है वह परामर्श है। धुआं है ना, धुआं हमारे यहाँ लिंग है, हेतु है। धुएं का पहले प्रकार का ज्ञान रसोई घर में, दूसरा स्मृति में, और तीसरा व्याप्ति, दूसरा व्याप्ति, तीसरा स्मृति ग्रहण होने पर। लिंग का यह तृतीय ज्ञान अथवा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता रूप परामर्श ही अनुमान कहलाता है। इसमें से धूम और वहनी के जितने बार के सहचार दर्शन से व्याप्ति का निश्चय होता है वह सब मिलकर प्रथम ज्ञान कहलाएगा। दूसरा, व्याप्ति का ग्रहण
सहचार दर्शन से होता है, यानी बार बार कोई एक चीज को हम देख रहे हैं कि वैसा ही है, जैसे हमने धुएं के साथ अग्नि का सहचार देखा, इससे होता है भूय सहचार दर्शन। और व्याप्ति स्वाभाविक संबंध है, ये दो बातें यहां हमने रखी है। पता, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी, यह स्वाभाविक संबंध है और यह व्याप्ति ठीक है। अगर इसमें एक चीज और देखना चाहिए, अगर हम इसको विपरीत कर दें, उल्टा कर दें, यत्र यत्र वहनी तत्र तत्र धूमः, जहां जहां वहनी है वहां वहां धुआं है, क्या ऐसा संभव हो पाएगा? आजकल तो कह नहीं सकते, जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है। ऐसे तो लोह पिंड में अग्नि है लेकिन धुआं नहीं है, आज की आधुनिक गैसों में अग्नि है धुआं नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं कि जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है। इस प्रकार का भूय सहचार दर्शन होने पर यह स्वाभाविक संबंध नहीं, ना ही व्याप्ति होगा, दोनों में से कुछ नहीं होगा, ना व्याप्ति कहलाएगा ना स्वाभाविक संबंध कहलाएगा। जैसे एक अभी दिया लोह पिंड का, जैसे लोहे के एक गोले को गर्म कर दिया जाए, उसमें अग्नि तो होती है, लाल लाल जो हमें दिखता है, तप्त पिंड कहते हैं ना, तो उसमें वह जो तप्त पिंड है, लोह पिंड है, उसमें अग्नि तो है, जलाने की क्षमता भी है, लेकिन धुआं नहीं है, तो वो धुआं कहाँ से आता है? तो यह जो है स्वाभाविक संबंध नहीं हो करके क्या कहलाएगा? औपाधिक संबंध कहलाएगा। कि जहां अग्नि मिले लेकिन धुआं ना मिले, तो यह संबंध जो है स्वाभाविक संबंध ना होकर के औपाधिक संबंध कहलाएगा। तो ये औपाधिक क्या है? तो जो धुएं का कारण है वह है आर्द्र ईंधन संयोग, गीले ईंधन का संयोग। गीला मतलब कोई भी लकड़ी है उसमें आर्द्रता तो रहती ही है, उस आर्द्रता के कारण जब अग्नि का संयोग होता है तब उसमें धूम की उत्पत्ति होती है। जो उपाधि का ये लक्षण दिया, अभी आगे नहीं चल रहे हैं, थोड़ा इसी को ही स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आगे आसानी है, पहले अगर यह स्पष्ट हो जाएगा तो यहां जो उपाधि का लक्षण दिया, ये सब आगे भी आएगा, फिर भी थोड़ा स्पष्ट पहले होगा तो आगे चीजों को समझना आसान रहेगा। उपाधि का लक्षण देता है साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि ही, अर्थात जो धर्म साध्य का व्यापक हो, जो धर्म साध्य जिसको सिद्ध करना है उसका व्यापक हो, और साधन का जो करण है उसका अव्यापक हो, उसको उपाधि कहते हैं। जैसे यदि कोई यह अनुमान बनाए कि अयो गोलकम धूमवत वहने, जो लोहे का गोला है अग्नि युक्त होने से धूमवान है, तो इस अनुमान में धूम जो है साध्य हो जाएगा, क्योंकि तो उसको हमें सिद्ध करना है और अग्नि साधन है, और आद्र ईंधन संयोग यहाँ उपाधि कहा है।
यह जो आद्र इंधन संयोग है, संयोग रूप धर्म है, साध्य जो धूम है उसका व्यापक है, अर्थात जहां जहां धूम होता है वहां वहां आद्र इंधन संयोग अवश्य होगा, यह साध्य व्यापकत्व हुआ। इसके अलावा दूसरा आद्र इंधन जो संयोग है उसका जो साधन भूत धर्म अग्नि का व्यापक नहीं है, जहां जहां अग्नि हो वहां वहां आद्र इंधन संयोग हो ऐसा होना जरूरी नहीं है। जैसे अयोगोलकम, जैसे लोहे के गोले में हमने देखा, आधुनिक गैस में हमने देखा, इसलिए इसमें आद्र इंधन संयोग नहीं है, यह साधन अव्यापकत्व होगा। इस प्रकार आद्र इंधन संयोग में साध्य व्यापकत्व और साधन अव्यापकत्व दोनों अंश घट जाने से उसमें उपाधि का पूरा लक्षण घटित होता है, इसलिए यह हेतु सौपाधिक है, अर्थात यत्र यत्र वहनी तत्र तत्र धूमः, यह संबंध स्वाभाविक है औपाधिक नहीं। यहाँ एक लक्षण और औपाधिक का देता है, जैसे अभी आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यत्र यत्र मैत्री तनयत्वम तत्र तत्र श्यामत्वम अपि, इसी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, इसको करेंगे आगे। औपाधिक संबंध का दूसरा उदाहरण देता है कि कोई मैत्री नामक स्त्री व्यक्ति है, उसके 5 पुत्र हैं, जिनमें से 4 को हमने देखा है और वो सारे के सारे श्याम वर्ण के हैं, अर्थात काले हैं, 5वें पुत्र को हमने देखा नहीं है, किंतु वह है गोर वर्ण का, श्वेत वर्ण का, उसका रंग साफ है, परंतु जिसने मैत्री के 4 पुत्रों में श्यामत्व देखा है, अर्थात जिसने मैत्री के 4 पुत्र श्याम वर्ण वाले देखा है, तो उस भूय सहचार दर्शन से, उस दर्शन के आधार पर, यानी उन 4 को देखने के आधार पर, मैत्री तनयत्व और श्यामत्व का, मैत्री तनयत्व मतलब उस मैत्री के तनय उन 4 पुत्रों के और श्यामत्व श्याम वर्ण का स्वाभाविक संबंध हो जाता है, तो व्याप्ति मानकर उस न देखे हुए जो 5वां पुत्र है, जिसको हमने देखा नहीं है, जो गौर वर्ण का है, उस 5वें पुत्र में भी हम किसका अनुमान करेंगे, श्यामत्व का। जैसे जब 4 पुत्र श्याम वर्ण के, तो 5वां भी वैसा ही होगा, तो इसमें कारण क्या है, श्यामत्व या कहें कि जो मैत्री तन्यत्वात है, या कहें कि जो मैत्री तन्यत्व है और श्यामत्व का स्वाभाविक संबंध अथवा व्याप्ति मानकर उस न देखे हुए 5वें पुत्र में भी श्यामत्व का अनुमान सह श्यामः मैत्री तनयात परिदृश्यमान मैत्री तनयोस्तोम, जैसा विचार है उसी प्रकार का ये होगा। तो यहाँ मैत्री तनयात मैत्री तनयत्वात हेतु श्यामत्व की सिद्धि के लिए दिया गया है, परंतु यह हेतु भी सौपाधिक है, उपाधि से युक्त है। कैसे, क्या उपाधि है इसमें, तो कहता है इसमें शाक पाक जन्यत्व रूप उपाधि विद्यमान है, शाक पाक जन्यत्व, उपाधि का लक्षण हमने देखा
साध्य व्यापकत्वे सति साधना अव्यापकत्वम्। वह शाक पाक जन्यत्व में, शाक पाक का तो खाने में प्रयोग करने वाली सब्जियां है, पकाना है उसका। शाक पाक जन्यत्व में पूर्ण रूप से घट जाता है, जो उपाधि का लक्षण है वह इसमें पूर्ण रूप से घट जाता है। यहाँ साध्य श्यामत्व और साधन मैत्री तन्यत्व है। शाक पाक जन्यत्व साध्य रूप श्यामत्व का व्यापक है। यत्र यत्र श्यामत्वम तत्र तत्र शाक पाक जन्यत्वम, यह साध्य व्यापकत्व हुआ। शाक पाक जन्यत्व इसका अभिप्राय है कि जब बालक माता के गर्भ में था तब माता जो भोजन ग्रहण करती है उस आहार का प्रभाव उसके वर्ण पर भी पड़ता है। जैसे अगर माता गर्भ में दूध, दही, केसर इत्यादि का प्रयोग करती है तो शास्त्रों के अनुसार जो गर्भ में बालक है वह श्वेत वर्ण का होगा, किंतु अगर वह गर्भकाल में शाक सब्जियों का, हरी सब्जियों का अधिक सेवन करती है तो उसका जो गर्भ अंतः में जो बालक है उसका वर्ण श्याम वर्ण का होगा। अर्थात श्यामत्व का प्रयोजक या कारण मैत्री तनियत्व नहीं, जो श्याम वर्ण है उसका कारण उस मैत्री के पुत्र नहीं या मैत्री तन्यत्व नहीं अपितु शाक पाक जन्यत्व है। शाक पाक जन्यत्व मतलब जो वह सब्जियां आहार भोजन कर रही है वह उसका कारण है। अतः जहां जहां शाक पाक जन्यत्व होता है वहां वहां श्यामत्व अवश्य होता है, यह साध्य व्यापकत्व हुआ। परंतु जहां जहां मैत्री तन्यत्व होता है वहां वहां शाक पाक जन्यत्व अवश्य हो, यह भी आवश्यक नहीं है। माता के गर्भकाल में शाक आदि के स्थान पर दुग्ध आदि का सेवन करे, यह भी हो सकता है। अतः ऐसी दशा में यत्र यत्र मैत्री तनयत्वम तत्र तत्र शाक पाक जन्यत्वम, यह आवश्यक न होने पर साधन अव्यापकत्व हुआ। इस प्रकार शाक पाक जन्यत्व रूप उपाधि के वर्तमान होने से मैत्री तनयत्व और श्यामत्व का स्वाभाविक संबंध नहीं है। अर्थात जो मैत्री तनयत्व है और जो श्यामत्व है, श्याम वर्ण है, उसका कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है, अपितु औपाधिक संबंध है। जैसे अयोगोलकम में हमने देखा था कि वह उसका औपाधिक संबंध है, स्वाभाविक संबंध नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि भूयः सहचार दर्शन से स्वाभाविक संबंध अर्थात व्याप्ति का निश्चय होता है। परंतु जहां एक भी स्थल में उनके सहचार का अभाव अथवा व्यभिचार का ग्रहण हो जाता है वहां वह भूयः सहचार दर्शन भी व्यर्थ हो जाता है और उसके स्वाभाविक संबंध का बोध नहीं करा सकता है। इसलिए केवल भूय सहचार दर्शन की ही व्याप्ति
ग्राहक नहीं है अपितु उसके साथ साथ व्यभिचार का आदर्शन होना भी आवश्यक है। अर्थात व्यभिचार आदर्शन सहकृत भूय सहचार दर्शन यह व्याप्ति का ग्राहक होता है। भूय सहचार दर्शन होते हुए मैत्री तन्यत्व और श्यामत्व का उपाधि स्थल में व्यभिचार हो जाने से व्याप्ति सिद्ध नहीं हो सकती, अतः उनका संबंध स्वाभाविक नहीं औपाधिक है। यही आगे कहते हैं, यद्यपि आप स्क्रीन पर देखिए, यद्यपि यत्र यत्र मैत्री तनयत्वम तत्र तत्र श्यामत्वम अपि, कि जहां जहां मैत्री तनयत्व है वहां वहां श्यामत्व भी। इति भूयो दर्शनम, इस प्रकार का भूयो दर्शन समानम अवगम्यते, समान रूप से प्राप्त होता है या प्रतीत तो होता है। तथापि फिर भी मैत्री तनयत्व श्यामत्वयो न स्वाभाविक संबंध है किंतु औपाधिक एव, देखो बोल रहे ना, इसलिए जो मैत्री तन्यत्व और श्यामत्व का स्वाभाविक संबंध नहीं है अपितु औपाधिक संबंध है। शाकादि अन्न परिणामस्योपाधेर विद्यमानत्वात्, शाकादि अन्न परिणाम रूप उपाधेर विद्यमानात्, इस उपाधि के विद्यमान होने से कि उस श्यामत्व का जो लिंग है वह क्या है, वह तो शाक पाक जन्यत्व है, वह मैत्री तन्यत्व नहीं है। तथा ही श्यामत्वे मैत्री तनयत्वम न प्रयोजकम्, तथा ही क्योंकि मैत्री तनयत्व श्यामत्वे श्यामत्व का मैत्री तनयत्वम न प्रयोजकम्, जो प्रयोजक है वह मैत्री तनयत्वम न, मैत्री तनयत्व नहीं है। किंतु शाकादि अन्न परिणति भेद एव प्रयोजक, किंतु शाकादि अन्न परिणाम ही भेद एव प्रयोजक, परिणति भेद एव प्रयोजक, वही प्रयोजक है। प्रयोजकश्च उपाधि इति उच्यते, और इस प्रयोजक को ही हम क्या कहते हैं, उपाधि कहते हैं। एव प्रयोजक, यह प्रयोजक है, और प्रयोजकश्च उपाधि इति उच्यते, प्रयोजक को ही उपाधि कहते हैं। न च धूमाग्नयोः संबंधे कश्चित उपाधिरस्ति, और नहीं है धूमादि अग्नयोः संबंधे, धूम और अग्नि आदि के संबंध में कश्चित उपाधि, कोई उपाधि नहीं है। अर्थात धूम और अग्नि आदि के संबंध में कोई उपाधि हमें प्राप्त नहीं होती, अपितु वहां तो साहचर्य नियम प्राप्त होता है, तो स्वाभाविक संबंध वहां प्राप्त होता है, व्याप्ति प्राप्त होती है। अस्ति चेत, यदि है क्या, योग्यो अयोग्यो वा, योग्य अथवा अयोग्य है, अयोग्यस्य अयोग्य की शंकितुं शक्यत्वात् शंका करनी भी शक्यत्वात् शंकितुं अशक्यत्वात् शंका करनी भी उचित नहीं है। योग्यस्य च अनुपलभ्यमानत्वात्, और उस योग्य की अर्थात जो प्रत्यक्ष के योग्य जो उपाधि है उसकी उपलब्धि नहीं होती है।
यत्र उपाधि अस्ति, यदि उपाधि उपलब्ध होती है, यदि उपाधि अस्ति तत्रोपलभ्यते, यदि उपाधि अस्ति है तत्र उपलभ्यते, वह उपलब्ध होगी होती है। यथाग्ने धूम अग्नेर धूम संबंधे आद्रेंधन संयोग, यथा जैसे अग्नेर धूम संबंधे, अग्नि के धूम के साथ इस संबंध में आद्रेंधन संयोग है, आद्र इंधन संयोग है, तत यह उपाधि है, आद्र इंधन संयोग यह उपाधि है और वह उपलब्ध भी होती है। दूसरा कहता है हिंसात्वस्य च अधर्म साधनत्वेन सह संबंधे निषिद्धत्वम उपाधि। हिंसात्व के अधर्म साधनत्व के साथ सहसंबंधे संबंध में निषिद्धत्वम उपाधि, जो निषिद्धत्व है उपाधि है। मैत्री तनयत्वस्य च शामकत्वेन सहसंबंधे शाकादि अन्न परिणति भेद। मैत्री तनयत्व के श्यामत्व के साथ सह संबंधे इस संबंध में यत्र यत्र मैत्री तन्यत्वम तत्र तत्र सामत्वम, इस संबंध में शाकादि अन्न परिणति भेद, शाकादि अन्न परिणाम भेद है, अर्थात शाक पाक जन्यत्व उपाधि है वही उपलब्ध होती है। न च इह धूमस्य अग्निर साहचर्ये अग्नि साहचर्ये कश्चित उपाधि अस्ति, और यहाँ धूमस्य अग्नि साहचर्ये धूम के अग्नि के साथ साहचर्य में न कश्चित उपाधि अस्ति, कोई उपाधि नहीं है। यत भविष्यत यत अभविष्यत तत अदृक्षत, यदि होती होगी तो वह दिखाई भी नहीं देती। अगर होती, देखो यत अभविष्यत, यदि नहीं है तत अदृक्षत, इसलिए वो दिखाई देती, अगर होती तो दिखाई देती। ततो दर्शन अभावात नास्ति, इसीलिए वह दिखाई नहीं देती है, दर्शन का अभाव होता है। इति तर्क सहकारिणा अनुपलभ्य सनाथेन प्रत्यक्षेण एव उपाधि अभावो अवधारयते। तो इस प्रकार तर्क सहकारिणा, तर्क सहकृत और अनुपलभ्य सनाथेन, अनुपलब्धि उपलब्धि रहित युक्त, अनुपलब्धि युक्त प्रत्यक्षेणेव वो उपाध्य भावो अवधारयते। प्रत्यक्षेणेव, प्रत्यक्ष से ही उपाधि अभाव अवधार्यते, उपाधि का अभाव का निश्चय होता है। तथा च उपाधि अभाव ग्रहण जनित संस्कार सहकृतेन तथा च इसीलिए उपाधि अभाव, उपाधि के अभाव ग्रहण जनित संस्कार, उपाधि के अभाव के ज्ञान से उत्पन्न ग्रहण जनित संस्कार, ज्ञान से उत्पन्न संस्कार सहकृतेन से सहकृत साहचर्य ग्राहिना और भूय सहचार दर्शन जन्य प्रत्यक्षेणेव प्रत्यक्ष से ही
धूमागन्यो व्याप्ति अवधारित है, धूम और अग्नि की व्याप्ति ग्रहित होती है। इसलिए उपाधि के अभाव के ज्ञान से उत्पन्न संस्कार से जो सहकृत और भूय सहचार दर्शन है संस्कार है, उसी के सहयोग से धूम और अग्नि के साहचर्य को ग्रहण कराने वाले जो प्रत्यक्ष है उसी से ही धूम और अग्नि की व्याप्ति हमें ग्रहण होती है। तेन धूमागन्यो स्वाभाविक एव संबंधो न तो उपाधिकः, इसीलिए उस धूम और अग्नि का स्वाभाविक ही संबंध है, ये हमने पीछे इस पे डिस्कस किया, न तो उपाधिकः, और धूम और अग्नि का स्वाभाविक है क्योंकि वो हमें सहचार से प्राप्त होती है, साहचर्य नियमो व्याप्ति ही, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वहनी, जहां धुआं है वहां अग्नि है, इस सहचार नियम से वह प्राप्त होती है, इसलिए वह स्वाभाविक संबंध है न तो औपाधिक, औपाधिक संबंध नहीं है। और इस स्वाभाविकश्च संबंधो व्याप्ति, इस स्वाभाविक संबंध को ही हम क्या कहते हैं, व्याप्ति ही। तदनेन न्यायेन धूमागन्यो धूमागन्योर व्याप्तौ गृह्यमाणायां महानसे यद धूम ज्ञानम तत्प्रथमम्। तदनेन, और इसलिए या इस प्रकार न्याय से धूमागन्यो धूम और अग्नि की व्याप्तौ व्याप्ति के गृह्यमाणायां ग्रहण में महानसे जो महानस है रसोई घर है यद धूम ज्ञानम जो धूम ज्ञान है तत्प्रथमम् वह प्रथम प्रकार का है। तो हमने किया ना, हमने कहा तृतीय ज्ञानम, जो तीन परामर्श को किस क्या रखा, तृतीय ज्ञानम, उसमें पहला ज्ञान था क्या था, जो रसोई घर में उत्पन्न महानसादौ में जो व्याप्ति हमें प्राप्त होती है तृत वहनी तत्र तत्र महा, यह व्याप्ति प्राप्त होती है महानसे उस महानस में रसोई घर में यद धूम ज्ञानम जो धूम का ज्ञान होता है तत्प्रथमम् वह पहले प्रकार का है। पर्वतादौ पक्षे पर्वत आदि रूप पक्षवान या पक्ष में दोबारा हमने कहा देखा, जहां आग लगी थी पर्वत पर उठता हुआ धुआं देखा, तो पर्वत आदि रूप पक्ष में जो धूम का ज्ञान है वह द्वितीय है, वह दूसरे प्रकार का है। तो पक्ष क्या है, तो पक्ष के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, फिर भी एक बार ध्यान दे लेते हैं। संदिग्ध साध्यवान पक्ष, अर्थात जिस पर्वत आदि में उस पर्वत में साध्य वहनी संदिग्ध अवस्था में, कोई कहता है आग लगी है, पता नहीं है कि आग लगी भी है या धुआं ऐसे ही है कि हम सर्दियों में देखते हैं उसमें भी धूम दिखाई देता है ना, तो दोनों में अभी संदेह है कि आग लगी भी है या नहीं है, तो संदेह कहाँ है, उस पर्वत पर। तो वह जहां संदेह होता है संदिग्ध साध्यवान, वहां पर अग्नि रूपी साध्य को सिद्ध करना है, इसलिए कहा ना संदिग्ध साध्यवान, जहां साध्य जो है संदिग्ध अवस्था में हो, जिस पर्वत आदि में साध्य अग्नि संदिग्ध अवस्था में हो हम उसको पक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार का जो दूसरा हमने देखा कि वहां दूसरी बार धुआं देखा कि पर्वत पर अग्नि है या पर्वत पर धुआं है, उस धुएं को देख करके जब देखा उसको, तो यह है दूसरी प्रकार का ज्ञान हुआ। ततः पूर्व गृहीताम, अब क्या करते हैं, उसने धुआं देखा, तो जब धुआं देखा तो उसको पहले वाला ज्ञान स्मरण हो आया, तत्र पूर्व गृहीताया, पूर्व गृहित ज्ञान धूमाग्नियोर व्याप्तिम स्मृत्वा, धूम और अग्नि की व्याप्ति का स्मरण करके कि जब पहले रसोई घर में देखा,
यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि इति, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, तत्रैव वहां पर ही पर्वते उस पर्वत पर पुनः धूम परामृश्यति, पुनः धूम का परामर्श करता है। अस्ति इति यत्र, और यहां पर्वते वहनिना उस पर्वत पे वहनी के साथ, व्याप्तो धूम इति उस अग्नि के साथ में व्याप्त धूम है, तद इदम धूम ज्ञानम तृतीयम, और इस प्रकार का धुएं का ज्ञान तीसरे प्रकार का है। इस प्रकार का वहनी व्याप्य धूमवांश्चायम पर्वतः, अग्नि से युक्त धुएं वाला यह पर्वत है, इस प्रकार का जो ज्ञान है वह तृतीयम तीसरे प्रकार का है। एतश्च अवश्यम अभ्युपेतव्यम्, इस तृतीय भाई जो अभी तृतीय ज्ञान हुआ, इस तृतीय ज्ञान को अवश्यम अभ्युपेतव्यम्, अवश्य ही मानना चाहिए, अन्यथा यत्र धूमस तत्र अग्निर इति एव स्यात्, जहां धुआं होगा वहां अग्नि होगी, यही सामान्य ज्ञान होगा। इह तु कथम अग्निना भवितव्यम्, तो यहां अग्नि क्यों होनी चाहिए, जिज्ञासा होती है। तस्मात् इहापि धूमो अस्ति, तस्मात् इहापि धूमो अस्ति, इसलिए यहाँ इस पर्वत में यह अपि, यह इस पर्वत में अपि भी धूम है, इस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। इति ज्ञानम अन्वेषितव्यम्, इस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। अयमेव लिंग परामर्श है, और जब इस प्रकार का ज्ञान होगा कि यहाँ धुआं है, इस इस प्रकार का ज्ञान होगा, यही लिंग परामर्श कहता है, कहलाता है कि अग्नि होनी चाहिए, इसके उत्पाद उपादन के लिए यहां पर्वत में भी धूम है। इस प्रकार का जो ज्ञान होगा, इस प्रकार का ज्ञान मानना चाहिए, यही कि पर्वत में व्याप्ति स्मृति के बाद हुआ धूम का परामर्श, कि हमने पहले रसोई घर में, दूसरे पर्वत पर, और तीसरा व्याप्ति स्मृति के बाद में जो ज्ञान हुआ, वही लिंग का परामर्श कहलाता है। तस्मात् पर्वतो वहनिमान, और वह पर्वत अग्नि से युक्त है, इस प्रकार की पर्वते अग्निर इति अनुमिति ज्ञानम उत्पद्यते, तो इस प्रकार पर्वत अग्नि से युक्त है, इस प्रकार की अनुमिति रूप ज्ञान उत्पन्न होता है। अब एक जिज्ञासा है, जहां ननु आ जाए वहां प्रश्न और जिज्ञासा होनी शुरू हो जाती है। क्या कहता है, अनु कथम महानसे यद धूम ज्ञानम तत्नाग्नि ज्ञानम अनुपापयति सत्यम, तो कहता है ननु कथम प्रथमं महानसे यद धूम ज्ञानम तन्नाग्नि अग्निम अनुमापयति, कहता है कि इस अनुमिति के लिए हम तृतीय ज्ञान तक क्यों जाते हैं, महानस आदि में जो पहली बार का जो ज्ञान हुआ उसी में ही अग्नि का अनुमान क्यों नहीं कर लेते। कहता है सत्यम, ठीक कहा, व्याप्तेर अग्रहितत्वात् व्याप्ति का ग्रहण न होने से गृहितायामेव व्याप्तौ अनुम
अनुमिति उदयात। कहता है व्याप्ति के ग्रहित होने ग्रहितायामेव, व्याप्ति के ग्रहण होने पर ही व्याप्तौ, व्याप्ति के गृहितायामेव गृहित होने पर ही अनुमिति उदयात, अनुमिति का उस अनुमिति का उदय होता है। जब व्याप्ति ग्रहण होगी तभी अनुमिति का स्वरूप सामने होगा। प्रथमम ज्ञानम बिना, प्रथम ज्ञान के बिना ऐसा संभव या अनुमिति नहीं हो सकती है। दोबारा प्रश्न करते हैं, अथ व्याप्ति निश्चय उत्तर कालम महानस एव अग्निर अनुमीयताम। अच्छा, तो व्याप्ति के ग्रहण होने के पश्चात तो व्याप्ति निश्चय उत्तर कालम, व्याप्ति के निश्चय होने के पश्चात उत्तर काल में महानस एव अग्निर अनुमीयताम, महानस में ही अग्नि का अनुमान होना चाहिए। मा वैवम, ऐसा ठीक नहीं है। अग्निर दृष्टत्वेन संदेहस्यानुदयात, अग्नि के दृष्टत्वेन प्रत्यक्ष होने से संदेहस्य संदेह का अनुदयात, उदय नहीं हुआ है। अग्नि का तो प्रत्यक्ष हो गया लेकिन संदेह तो उदय हो। संदिग्ध संदिग्धश्चार्थ अनुमीयते, और संदिग्ध अर्थ का ही अनुमान करते हैं। यथोक्तम भाष्यकृता, जैसे भाष्यकार कहते भी हैं, ना अनुपलब्धे ना निर्णित अर्थे, ना तो उपलब्ध अर्थ में ना निर्णित अर्थ में न्याय प्रवर्तते किंतु संदिग्धे। कितना तो उपलब्ध अर्थ में, जो उपलब्ध अर्थ नहीं है ना उसमें ना निर्णित अर्थ में न्याय प्रवर्तित नहीं होता, वह तो संदिग्ध में प्रवर्तित होता है। जहां संदेह होता है वहीं पर ही कार्य करता है। अथ पर्वतगत मात्रस्य पुंसो यद धूम ज्ञानम। अच्छा, तो पर्वत अथ इसके पश्चात पर्वतगत मात्रस्य, पर्वत में गए हुए या पर्वत पर गए हुए पुंचो उस पुरुष के यद धूम ज्ञानम, जो धूम ज्ञान, तत्कथम न अग्नि अनुमापयति, जो धुएं का ज्ञान हुआ वह अग्नि का अनुमापन क्यों नहीं करता जो दूसरे ज्ञान पर ही हो जाए। यहां तो अस्ति चात्र अग्नि संदेह, यहां तो संदेह है ना। कहता है साधक बाधक प्रमाण अभावेन संशयस्य न्याय प्राप्त। साधक बाधक की, साधक अथवा बाधक प्रमाण अभावेन, प्रमाण के अभाव में संदेह होना उचित ही है। सत्यम, यही आपका प्रश्न ठीक है। अग्रहित अग्रहित व्याप्तेरिव गृहित विस्मृत व्याप्तेरपि पुंशो अनुमानानुदयेन व्याप्ति स्मृतेर अपि अनुमति हेतुत्वात्। तह अग्रहित व्याप्तेरिव अग्रहित व्याप्ति व्याप्तिक पुरुष के समान, गृहित अग्रहित व्याप्तिक पुरुष अर्थात गृहित होने पर भी जिसको व्याप्ति स्मृत हो गई या विस्मृत हो गई या व्याप्ति आई नहीं, भूल गई। फिर कहता है गृहित विस्मृत व्याप्तेरपि, और गृहित विस्मृत व्याप्तिक पुरुष को भी अनुमान अनुदयेन, अनुमान का उदय न होने से व्याप्ते स्मृते अपि अनुमिति हेतुत्वा, व्याप्ति स्मृति के भी अनुमिति के प्रति हेतु, ऐसा व्याप्ति स्मृति के अभाव में अनुमिति नहीं होती है।
धूम दर्शनात् चौद्भुत संस्कारो व्याप्तिम स्मृति। इसलिए जब दूसरी बार हुआ तो उस धूम के दर्शन से जो उद्भुत संस्कार था, जो पहले देखा था रसोई घर में, यत्र यत्र धूमः यो यो धूमवान सो सो अग्निमान यथा महान सिद्धि। यह संस्कार था, जो जो धूमवान होता है वह वह अग्निमान होता है, वह निमान होता है, इस व्याप्ति का स्मरण करता है। तेन धूम दर्शने जाते, और उस धूम दर्शन हो जाने के बाद व्याप्ति स्मृतौ, व्याप्ति का स्मृति होने पर, भूतायाम हो जाने पर, यद धूम ज्ञानम, जो धूम का ज्ञान, तत तृतीयम वह तृतीय धूमवांश्च अयम पर्वतः, धूमवान युक्त यह पर्वत है, तदेव अग्निम अनुमापयति न अन्यत, वही अग्नि का अनुमान करता है, उससे भिन्न कोई नहीं। तदेव अनुमानम, और वही अनुमान है, सैव लिंग परामर्शः, वही लिंग का परामर्श है, सैव लिंग परामर्शः, वही लिंग का परामर्श है। तेन व्यवस्थितम एतत, इस तरह से लिंग परामर्श अनुमानम, लिंग परामर्श अनुमानम, यह जो लक्षण है स्थिर हुआ, क्या कहें, घटित होता है या ठीक होता है, इसको आप 5 मिनट या 2 मिनट के लिए आप दोहराइए, देखिए कहीं कोई शब्द अगर समझ नहीं आ रहा है, हम 2 मिनट के पश्चात दोबारा आगे शुरू करते हैं। आगे चलते हैं, अब अनुमान के भेदों पर चर्चा होगी, थोड़ा सा शीघ्र चलेंगे कि यह अनुमान प्रकरण बहुत विस्तृत है, इसलिए कुछ भाग आपको अपने घर पर करना है, क्या कहें, सारा मैं करवाऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा थोड़ा जहां मैं कहूंगा वहां आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो आसान है, वो हम खुद भी पढ़ेंगे ग्रंथ को तो कर सकते हैं। अब अनुमान के भेदों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तच्च अनुमानम द्विविधम, और यह अनुमान दो प्रकार का है, स्वार्थम परार्थम चैति, स्वार्थ परार्थ के भेद से, स्वार्थम स्वप्रतिपत्ति हेतु हु, स्वार्थम स्व अर्थम स्वयं के प्रति, अपने लिए, स्वयं अपने ज्ञान का हेतु है, वह स्वार्थ, स्वार्थानुमान है, तथा ही फिर भी स्वयमेव, स्वयं ही महानस आदौ, महानस आदि में विशिष्टेन प्रत्यक्षेण, विशिष्ट प्रत्यक्ष या विशेष प्रत्यक्ष से स्वयमेव, स्वयं ही धूमाग्नौ अग्नयो व्याप्तिम, धूम और अग्नि की व्याप्ति का स्वयं ही गृहित्वा, ग्रहण करके, पर्वत समीपम, पर्वत के समीप गया हुआ, गतः गया हुआ, तदगते चाग्नौ संदिहानः, और उस पर्वत गत अग्नि के विषय में, अर्थात पर्वत में अग्नि है या नहीं, इस प्रकार का संदिहानः, संदेह करता हुआ, पर्वतवर्तिनी, पर्वतवर्तिनिम विच्छिन्न मूला अभ्रलिहाम, धूमलेखाम पश्यन्, धूम दर्शनात् चौद्भुत संस्कारो व्याप्तिम स्मरति।
चलिए संदेह करता, संधि है ना, संदेह करता हुआ पर्वत वर्तिनिम विच्छिन्न मूला ब्रह्मलिहाम, पर्वत पर विद्यमान अविच्छिन्न मूला धूमलेखाम, धुएं की लेखा को या रेखा को देखकर, धुएं को उठता हुआ देखकर, धूम दर्शनात च और धूम के दर्शन से उद्भुत संस्कार, संस्कार का जागरण हो जाने पर जो पहले कभी देखा था, उद्भुत संस्कार वाला जो पुरुष है व्याप्ति स्मृति, उस व्याप्ति का स्मरण करता है, यत्र धूमस तत्र अग्निरिति, जहां धुआं है वहां अग्नि है, ततो अत्रापि धूमो अस्ति इति प्रतिपद्यते, तो यहां पर भी धूम ही है यह प्रतिपादित तो होता है, तस्मादत्र और इस प्रकार पर्वते अग्निरस्ति, पर्वत पर अग्नि है, कब, तीसरे प्रकार के ज्ञान के पश्चात अग्नि है यह निश्चय हो जाता है, अग्नि अपि अस्ति अग्नि भी है, स्वयमेव प्रतिपद्यते इस प्रकार स्वयं ही जान लेता है, तत् स्वार्थानुमानम् वह स्वार्थानुमान है, यत्तु कश्चित् स्वयं धूमादि, यत्तु कश्चित् स्वयं धूमाद् अग्निम् अनुमाय परम् बोधयितुम् पञ्चावयम् अनुमान वाक्यम् प्रयुक्ते तत् परार्थानुमानम् यत्तु, और जो कश्चित् कोई स्वयं धूमात् स्वयं धूम से अग्नि अनुमाय अग्नि का अनुमान करके परम बोधयितुम् दूसरे को जानकारी देने के लिए या दूसरे को बोध कराने के लिए पञ्चावयव अनुमान वाक्यम इस अनुमान वाक्य का प्रयुक्त प्रयोग करता है तत् परार्थानुमान वह परार्थानुमान है। पञ्चावयव वाक्य सबने पढ़े हुए हैं, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन इत्यादि, तो एक बार दोबारा भी इसको बता दें, इसका वर्णन भी इसमें आएगा। तद्यथा तब पर्वतो अग्निमान धूमत्वात्, पर्वत अग्नि से युक्त है धुएं के कारण, धूमत्वात् धूम होने से, यो यो धूमवान, जो जो सबसे पहले हमने क्या कहा, पर्वतो अग्निमान, पर्वत अग्नि से युक्त है, यह है हमने क्या की प्रतिज्ञा, धूमत्वात धुए के कारण, यह हमारा क्या हुआ हेतु, यो यो धूमवान सो अग्निमान यथा महानसः, यह क्या दिया हमने उदाहरण, जो जो धूमवान है वह अग्निमान है, यथा महानस जैसे महानस है, तथा चायम यहाँ भी वैसा ही है, तस्मात वैसा ही है, उसी प्रकार का है, तो उदाहरण उपनय यानी उसके समीप में निष्कर्ष के समीप में पहुंचे, तस्मात तथा वैसा ही है, निष्कर्ष निकल गया इति ऐसा है। अनेन वाक्येन प्रति, इस वाक्य से प्रतिज्ञादिमता, प्रतिज्ञा आदि से युक्त प्रतिपादितात, प्रतिपादित पंच रूपोपपन्न लिंगात, पांच रूपों से युक्त लिंग से परो अपि अग्निम प्रतिपद्यते, दूसरा व्यक्ति भी अग्नि को जान लेता है। तीन एतत् परार्थानुमानम्, इसलिए यह परार्थानुमान होता है। यहां पे एक शब्द आया
पंच रूपोपपन्नत्वात्, इन पांच रूपों से ना पंच रूपो प्रतिज्ञादि मता प्रतिपादितता, तो प्रतिज्ञादि मत से पंच रूपोपन्न लिंगात। पंच रूप क्या है? पांच रूप जो है पक्ष सत्व, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्त तत्व, अवबाधित विषयत्व या अबाधित विषयत्व, असति असत प्रतिपक्षत्व, ये पांच रूप इसके कहे जाते हैं। अत्र पर्वतस्य अग्निमत्वं साध्यम्, यहाँ जो पर्वत का अग्निमत्व है साध्य है, धूमवत्वम हेतु, धूमवत जो है हेतु है, सच अन्व्यवैति रेकी, वह अन्व्यवैति रेकी है क्योंकि उसकी अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार की व्याप्ति के उदाहरण मिल जाते हैं। जैसे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र धूमवत्वम तत्र अग्निमत्वम, कि जो जो जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ऐसा तथा महानस, ये इसकी अन्व्यव्याप्ति हुई। महानसे महानस में रसोई घर में धूमाग्नेयोर अन्वय सद्भावात, रसोई घर में धूम और अग्नि के सद्भाव से या कहें कि स्वाभाविक संबंध से, एवं यत्र अग्नि नास्ति तत्र धूमो अपि नास्ति, और जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं है। जैसे महाहृदय तालाब में ना अग्नि दिखाई देती है ना धुआं दिखाई देता है, तो इसका यह इतियम व्यतिरेक व्याप्ति, इसका व्यतिरेक व्याप्ति भी हो गया। महाहृदय धूमा अग्नयोर व्यतिरेकस्य सद्भाव दर्शनात्, महाहृद में धूमाग्नयो धूम और अग्नि के व्यतिरेक होने से सद्भाव दर्शनात्, उसका दर्शन होने से। व्यतिरेक व्याप्ते स्वयं कर्म, व्यतिरेक व्याप्ति का तो यह क्रम है। अन्वय व्याप्तौ यद व्याप्यम तद भावो अत्र व्यापकः, अन्वय व्याप्तौ अन्वय में या अन्वय व्याप्ति में यद व्याप्यम जो व्याप्य है अर्थात उसका अभाव यहां व्यतिरेक व्याप्ति में, तद अभावो अत्र उसका अभाव यहां कहां पर व्यतिरेक व्याप्ति में व्यापक व्यापक हो जाता है। यच्च व्यापकम, और जो व्यापक होता है तद अभावो अत्र व्याप्यति, और उसका अभाव यहां व्याप्य हो जाता है। जैसा कहा भी है कुमारिल भट्ट ने के शास्त्र से उद्धृत एक कारिका है, व्याप्य व्यापको भावो ही भावयोर यादृगिष्यते तयोर अभावयोस्तस्माद् विपरीतः प्रतीयते अन्वये साधनं व्याप्यं साध्यं गमिष्यते तद्भावो अन्यथा व्याप्यो व्यापकः साधनाप्तस्य वचनं पूर्वं व्यापकस्य ततः परं एवं परीक्षिता व्याप्तिः स्फुटी भवति तत्त्वतः। तो कहता है पहली पंक्तियों को देखो, व्याप्य व्यापको भावो हि भावयो यादृगिष्यते तयोर अभावयोस्तस्मात् विपरीतः प्रतीयते। भावयो हो जो भाव पदार्थ हैं, सत पदार्थ हैं, सत पदार्थों का क्या है? धूम और अग्नि, उनका
भाव है, विद्यमान है, सत है, अग्नि भी दिखलाई देती है, धुआं भी दिखलाई देता है। तो भाव पदार्थों का व्याप्य व्यापक को भावो, व्याप्य और व्यापक भाव अर्थात व्याप्य व्यापक भाव क्या होगा, जो धूम है अर्थात जो साधन है वह होगा व्याप्य, और जिसको सिद्ध करना है अग्नि को सिद्ध करना है तो वह होगा व्यापक। तो व्याप्य व्यापक भाव होता है, तयोर अभावयो तस्माद विपरीत प्रतीयते। उनके अभाव अर्थात अग्नि का अभाव या धूमा भाव, अग्निया भाव धूमा भाव, उनके अभाव तयोर अभाव, उनके अभाव का तस्माद विपरीत, उसके विपरीत या उसका उल्टा वहन्या भाव व्याप्य धूमा भाव व्यापक होता है। अन्वये साधनम व्याप्यम साध्यम व्यापकमिष्यते तद्भावो अन्यथा व्याप्यो व्यापकः साधनात्यः। अतः अन्वये साधनम, अन्वय व्याप्ति में तो साधन है क्या, हेतु, व्याप्य अन्वय व्याप्ति में अन्वय साधनम व्याप्य, अन्वय व्याप्ति में जो साधन है या जो हेतु है वह व्याप्य होगा साध्ययम् व्यापकम् इष्यते, और जो साधक या कहें कि जो साध्य है, साध्ययम् व्यापकम् इष्यते, जो साध्य है वह व्यापक होगा साध्याभावो अन्यथा व्याप्यो व्यापकः साधनात्यः। साधना भावो अन्यथा, साधना भाव तथा साध्या भावो अन्यथा व्याप्यो, उनके अभावो, उनके अभाव में, इनके अभाव में अग्नि अभाव सॉरी अन्वयेस तो हो गया ना, अन्वये साधनम व्याप्यम साध्यम व्यापकम इष्यते, कि अन्वय में साधन व्याप्य और जो साध्य है वो व्यापक होता है, साध्या भावो अन्यथा व्याप्यो व्यापक है साधनात्य है। और उससे भिन्न जो व्यतिरेक में उसके विपरीत हो जाएगा, ये कहें कि उसका अभाव हो जाएगा, साध्या भाव व्याप्य व्यापक है साधनात्य है, और साधना भाव व्यापक हो जाएगा। व्याप्यस्य वचनं पूर्वं व्यापकस्य ततः परं एवं परीक्षिता व्याप्ति स्फुटी भवति तत्वतः। इसलिए व्याप्य को, व्याप्यस्य वचनं पूर्वं, व्याप्य को पहले नहीं, व्याप्ति के बोलते समय व्याप्य को पहले यत्र यत्र, यत्र के साथ, और व्यापकस्य ततः परम, उस व्यापक को उसके बाद तत्र तत्र के साथ बोलना चाहिए, व्याप्य को पहले और व्यापक को बाद में, धुएं को पहले अग्नि को बाद में। धुआं व्याप्य है और अग्नि व्यापक है, धुआं साधन है अग्नि साध्य है। इस प्रकार एवं परीक्षिता व्याप्ति, इस प्रकार भली भांति स्फुटी भवती तत्वतः, ती जो है तत्वतः व्याप्ति स्पष्ट हो जाती है। तदेवं धूमवत्वे हेतौ अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिरस्ति। यत्तु वाक्ये केवलं अन्वयव्याप्तेरेव प्रदर्शनं तद एकेनापि चरितार्थत्वात् तत्रापि अन्वयस्य अवक्रत्वात् प्रदर्शनम् ऋजुमार्गेण सिद्धयतो अर्थः अर्थस्य वक्रेण साधनायोगात् न तु व्यतिरेक व्याप्तिरभावात्। कहते हैं तदेवम्, इस प्रकार धूमत्व धूमवत्वे धूम पत हेतु अन्वयेन, हेतु में अन्वय व्यतिरेकेण च, और व्यतिरेक च व्याप्ति अस्ति,
इन दोनों से व्याप्ति है, इन दोनों के मिल जाने से व्याप्ति है। यत्तु वाक्य, और जिस वाक्य में केवलम अन्वय व्याप्ते रेव, केवल अन्वय व्याप्ति प्राप्त, अन्वय व्याप्ति एव प्रदर्शनम, अन्वय व्याप्ति का ही प्रदर्शन किया गया है। तत एकेनापि चरितार्थत्वात्, वह एक से भी काम चल सकता है। तत्रापि अन्वयस्यात् अवक्रत्वात् प्रदर्शनम्, उसमें भी अन्वयस्य अन्वय के अवक्रत्वात्, मतलब वक्र न होने से, सरल हो जाने से प्रदर्शनम्, उसका प्रदर्शन किया गया है। ऋजुमार्गेण सिद्धयतो अर्थस्य वक्रेण साधना योगात्, ऋजुमार्गेण सरल मार्ग से सिद्धयतो अर्थस्य, सिद्ध होने वाले अर्थ को वक्रेण वक्र मार्ग से साधना योगात, साधन अयुक्त होने से, अर्थात केवल अन्वय व्याप्ति का प्रदर्शन किया गया है न कि व्यतिरेक व्याप्ति का। न तो व्यतिरेक व्याप्ते अभावात्, न कि व्यतिरेक व्याप्ति के अभाव के कारण, इसलिए केवल अन्वय व्याप्ति का प्रदर्शन किया गया है। देवम तदेवम शायद आगे हो गया, तदेवम धूमवत्वम हेतु अन्वय व्यतिरेकी, इस प्रकार धूमवत हेतु, धूमवत्व हेतु अन्वय व्यतिरेकी है, क्योंकि उसका अन्वय भी बनता है और व्यतिरेक भी हो जाता है। एवं अन्य अपि अनित्यत्वादौ साध्ये कृतकत्वादयो हेतवो अन्य व्यतिरेक अन्वय व्यतिरेकिनो दृष्टव्यः, इस प्रकार अनित्यत्व आदि की सिद्धि में कृतकत्वादयो, कृतकत्व आदि अन्य हेतु भी अन्वय व्यतिरेकिनो, अन्वय व्यतिरेकी ही समझने चाहिए। यथा जैसे शब्दो अनित्यः, शब्द अनित्य है कृतकत्वात् घटवत्, कृतकत्व या कृतक होने से, जन्य होने से घट के समान, जैसे घट उत्पन्न होता है वैसे शब्द उत्पन्न होता है, कृतकत्व था जन्य होने से शब्द अनित्य है, ऐसा कहते हैं। यथा यत्र कृतकत्वम, जहां कृतकत्व होगा जन्यत्व रहता है, तत्र अनित्यत्वम, वहां अनित्यत्व रहेगा। यत्र अनित्यत्वम भावस्तत्र कृतको कृतकत्व भावो यथा गगने, और जहां अनित्यत्व का अभाव होता है वहां कृतकत्व का भी अभाव होगा, जैसे गगने आकाश में, क्योंकि आकाश तो नित्य है। कश्चित हेतु, दूसरा हेतु केवल व्यतिरेकी, कश्चित हेतु केवल व्यतिरेकी, अन्य जो हेतु है वह केवल व्यतिरेकी है। इससे पूर्व जो है हमने केवल व्यतिरेकी से दो प्रकार की व्याप्ति हमने देखी, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति, कि एक तरह से ये हेतु के भेद लगा लो तीन प्रकार के हैं, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी। तो अन्वय व्यतिरेकी का उदाहरण हमने देखा, केवल अन्वय का देखा, अब केवल व्यतिरेकी का बतला रहे हैं। तथ्यथा जैसे सामान्य रूप से अभी इस जो आगे बताने वाले हैं उसके अंतर्गत वह दो प्रकार की व्याप्ति, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी, तथा उन दोनों के मेल से बनने वाला अन्वय व्यतिरेक
ये हेतु कहलाता है। अब जैसे पीछे उदाहरण दिया, धूमवत्व और कृतकत्व ये दोनों हेतु अन्वय व्यतिरेकी के हेतु हैं, ये बताया होता है ना, धूमवत्व और हेतु कृतकत्व जो अभी शब्दों नित्य अनित्य में किया। जिस हेतु का अन्वय व्याप्ति में उदाहरण न मिल सके और केवल व्यतिरेक व्याप्ति में उदाहरण मिले उसको हम केवल व्यतिरेकी हेतु कहते हैं। जैसे जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात्, इस अनुमान में प्राणादिमत्व हेतु है और सात्मकत्व साध्य है, इन दोनों की अन्वय व्याप्ति इस प्रकार से बनेगी, यत्र यत्र प्राणादिमत्वम तत्र तत्र सात्मकत्वम। इस व्याप्ति का उदाहरण कोई जीवित शरीर ही रहेगा, परंतु जीवित शरीर सब पक्ष कोटि के अंतर्गत आते हैं, इसलिए अन्वय व्याप्ति में उदाहरण मिलना संभव नहीं है। तब व्यतिरेक व्याप्ति इस प्रकार बनेगी, यत्र यत्र सात्मकत्व अभाव तत्र तत्र प्राणादिमत्वाभाव, इस व्याप्ति में घट और पट आदि सहस्त्रों उदाहरण मिल सकते हैं। घट को लेकर के करते हैं, पटाभाव है, घटाभाव है, इसलिए अनुमान में केवल व्यतिरेक व्याप्ति में ही उदाहरण होने की संभावना है। असंभव होने से प्राणादिमत्व हेतु केवल व्यतिरेकी हेतु है। इसी बात को ही ये आगे समझाएंगे कि कश्चित हेतु केवल व्यतिरेकी, कि कोई हेतु केवल व्यतिरेकी है, तद्यथा जैसे सात्मकत्वे साध्ये, सात्मकत्व के साध्य होने में प्राणादिमत्वम हेतु, प्राणादिमत्व हेतु है। यथा जैसे जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात्, जीवित शरीर सात्मक है, यत सात्मकम न भवति तत् प्राणादिमत् न भवति, यदि सात्मक न होगा, सात्मक आत्मसहितम, यदि वह आत्मसहित नहीं होगा, सात्मक नहीं होगा, तत् प्राणादिमत् न भवति, उसमें प्राणादि भी नहीं होंगे, प्राणादिमत् भी नहीं होगा। यथा घटः, जैसे घट न तो वो सात्मक है, न प्राणादि मत है, न चेत और न ही जीवत शरीरम, जीवित शरीर तथा तस्मात् न, वैसा नहीं है, तथेति वैसा नहीं है, अत्र ही जीव शरीरस्य सात्मकत्वम्, इसलिए यहाँ जीवित शरीर का सात्मकत्व साध्यम साध्य है, प्राणादिमत्वम हेतु और प्राणादिमत्व हेतु है, सच केवल व्यतिरेकी, इसलिए वह केवल व्यतिरेकी है, अन्वय व्याप्तिर अभावात, अन्वय व्याप्ति के अभाव के कारण। तथा ही फिर भी यत प्राणादिमत, जो प्राणादिमत है, तत्सात्मकम यथा वह सात्मक है, यथा जैसे अमुक इति दृष्टांत तो नास्ति, इस प्रकार का कोई दृष्टांत नहीं मिलता है, जीवत शरीरम सर्वम पक्षेव, ये जितने भी जीवित शरीर हैं सब पक्ष ही हैं, पक्ष के अंतर्भूत ही हैं, लक्षणम अपि केवल व्यतिरेकी हेतु, हाँ लक्षण भी केवल व्यतिरेकी हेतु ही होते हैं, यथा पृथ्वी लक्षणम गंधवत्वम, जैसे पृथ्वी का लक्षण है गंधवती पृथ्वी, गंध से युक्त जो है वह पृथ्वी है गंधवत्वम, विवाद पदम पृथ्वी इति व्यवहर्तव्यम गंधत्वात्, गंधवत्वात्, इसलिए विवाद यानी विवादास्पद पदों में पदों को
पृथ्वी इति पृथ्वी यह कहकर व्यवहर्तव्यम व्यवहार करना चाहिए गंधवत्वात् क्योंकि उसके गंधवत होने से यत्न पृथ्वी इति व्यवहार्यते जिस जहां पर पृथ्वी ऐसा व्यवहार नहीं होगा तत्न गंधवत वहां पर गंध भी उपलब्ध नहीं होगी यथा आप जैसे आप में जल में। इसलिए प्रमाण लक्षण प्रमाण का जो लक्षण है प्रमाकरणत्व तथा ही जैसे प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम इति व्यवहर्तव्यम प्रमाकरणत्वात् जैसे प्रमाकरणत्वात् प्रमाकाकरण होने से प्रत्यक्ष आदि प्रमाण में इति व्यवहर्तव्यम यह व्यवहार करना चाहिए प्रमाकरणत्वात् प्रमाकाकरण होने से न पुनस्तथेदम तस्मात् न तथेति और पुनः यह वैसा ही है अतः तस्मात् न तथेति यह वैसा यानी वैसा नहीं है न पुनः तथेदम यह वैसा नहीं है तस्मात् न तथेति उस प्रकार का भी नहीं है न पुनरुत्तर परंतु यहाँ न पुनरुत्तर फिर भी यहाँ यत् प्रमाकरणम तत् प्रमाणमिति कि जो प्रमाण होता है या प्रमा का कारण होता है वही प्रमाण होता है व्यवहर्तव्यम यथा अमूक इति अन्वय दृष्टांतो अस्ति यह अमूक इस प्रकार का अन्वय दृष्टांत न नहीं है प्रमाण मात्रस्य पक्षीकृतत्वात् प्रमाण मात्र के पक्ष कोटि में होने के कारण यह केवल व्यतिरेकी है। अत्र च व्यवहार है साध्यो न तु प्रमाणत्वम यहाँ जो व्यवहार है साध्य है प्रमाणत्व नहीं तस्य तस्य प्रमाण करणत्वात् हेतोर अभेदेन साध्याभेद दोष प्रसंगात् तदेवं केवल व्यतिरेकिनो दर्शितः तदेवं इसलिए इस प्रकार केवल व्यतिरेकिनो दर्शितः केवल व्यतिरेक अच्छा कश्चित् अन्यो हेतुः केवलान्वयी अत्र च व्यवहार साध्यो न तु प्रमाणत्वम यहाँ जो व्यवहार है वह साध्य है प्रमाण नहीं तस्य उसके प्रमाकरणत्वात् प्रमाकरणत्व हेतु हो हेतु से भेदेन भेद होने पर साध्याभेद अर्थात हेतु और साध्य का अभेद रूप दोष प्रसंगात दोष प्राप्त हो जाने से यहाँ प्रमाणत्व का साध्य नहीं अपितु प्रमाण व्यवहार साध्य है तदेवं इसलिए केवल व्यतिरेकिनो दर्शितः केवल व्यतिरेकी दर्शित हुआ है कश्चिदन्यो हेतु केवलान्वयी और दूसरा जो हेतु है वह केवलान्वयी है यथा शब्दो अभिधेय जैसे शब्द अभिधेय है प्रमेयत्वात् प्रमेय होने से यत् प्रमेय तद अभिधेयम् तथा घट जो प्रमेय होता है वह अभिधेय होता है जैसे घट तथा चायम तस्मात् इति उसी प्रकार का है वैसा ही है अत्र शब्दस्य अभिधेयत्वं साध्यं प्रमेयत्वं हेतु अत्र यहाँ शब्दस्य शब्द का अभिधेयत्वं अभिधेयत्व साध्यं साध्य है प्रमेयत्व हेतु और प्रमेयत्व हेतु है सच केवल अन्वयव और वह केवल अन्वयी है केवल अन्वयी है
यद अभिधेयम न, और जो अभिधेय नहीं होता, तत् प्रमेयम अपि न भवति, वह प्रमेय भी नहीं होता है। यथा अमूक इति व्यक्तिरेक दृष्टांता अभावात्, जैसे अमूक इस प्रकार का व्यक्तिरेक दृष्टांत में मिलता ही नहीं। सर्वत्र ही प्रमाणिक एव दृष्टांतो, सर्वत्र ही प्रमाणिक अर्थ ही दृष्टांत हो सकता है। सच प्रमेयश्च अभिधेयश्च इति, वह प्रमेय भी है और अभिधेय भी। इस प्रकार तीन प्रकार के ये हेतु, अन्वय व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी, केवल अन्वयी, तीनों का उदाहरण सहित हमने ये वर्णन किया। अब इसके आगे अगर हम चलते हैं तो उसमें ये पांच भेदों को, पांच रूपों को देते हैं, जो पांच रूप बतलाए थे। क्या? पक्ष, सत्व, एतेषां च अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वय, केवल व्यतिरेकी हेतुनाम त्रयाणाम मन्ने, यो त्रयाणाम मध्ये, यो हेतुर अन्वय व्यतिरेकी, स पंचरूपोत्पन्न एव स्वसाध्यं साधयितुं क्षमते, न तु एकेनापि रूपेण हीनः। तानि पंचरूपाणि पक्षसत्त्वं, सपक्षसत्त्वं, विपक्षव्यावृत्ति, अबाधित विषयत्वं, असत् प्रतिपक्षत्वं। तो इसके विषय में ये स्वयं पढ़ना है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूं कि इन पांच रूपों में जो पक्ष, सपक्ष और विपक्ष ये शब्द आए हैं, उनको समझे बिना कहें कि आगे चलना भी कठिन है, इतने भी कठिन नहीं है, पढ़े हुए हैं तर्क संग्रह के अंतर्गत। तो पक्ष क्या है? संदिग्ध साध्यवान पक्ष, निश्चित साध्यवान सपक्ष और निश्चित साध्य भाववान विपक्ष, इस प्रकार इसके लक्षण दिए गए हैं। अर्थात जिसमें साध्य वहनी आदि संदिग्ध अवस्था में हो उसको पक्ष कहते हैं, जैसे पर्वतो वहनीमान इत्यादि अनुमान में पर्वत में अग्नि की सिद्धि की जा रही है। इसलिए संदिग्ध साध्यवान होने से पर्वत पक्ष कहलाता है और धूम हेतु उसमें रहता है, यह उस धूम हेतु का प्रथम रूप पक्ष सत्व हुआ। दूसरा शब्द है सपक्ष, सपक्ष उसको कहते हैं जिसमें साध्य वहनी आदि का निश्चय हो, साध्य है ना अग्नि जिसको सिद्ध करना है उसका निश्चय हो, वह सपक्ष हुआ। तो सपक्ष उस निश्चित साध्यवान सपक्ष, निश्चित साध्य से युक्त धर्मी को सपक्ष कहते हैं। जैसे उपयुक्त उपर्युक्त वहनी के अग्नि के अनुमान में महानस रसोई घर में जो सपक्ष है, क्योंकि तो उसमें साध्य अग्नि का निश्चय है, इस सपक्ष रूप महानस में धूम रूप हेतु रहता है। यह धूम रूप हेतु या हेतु धूम का दूसरा रूप सपक्ष, सपक्षत्व है, सपक्ष सत्व है। और तीसरा शब्द है विपक्ष, विपक्ष का लक्षण है निश्चित साध्य भाववान अभाववान विपक्ष, जिसमें साध्य का अभाव निश्चित हो उसको विपक्ष कहते हैं। जैसे उपर्युक्त अनुमान में महाहृदय विपक्ष है, क्योंकि ना वहां अग्नि है ना वहां धूम है। तो ये तीन प्रकार का, इसलिए महाहृदय अर्थात तालाब में साध्य रूप वहनी का अभाव निश्चित है, इसीलिए महाहृदय विपक्ष कहलाता है। और महाहृदय रूप विपक्ष में धूम भी नहीं रहता, यह उसका तीसरा रूप विपक्ष व्यावृत्तत्व हुआ। इसी प्रकार से जो उसके दो अन्य और भेद हैं, अबाधित विषय भी, अबाधित विषय पद से विषय शब्द का अर्थ है साध्य। अबाधित विषय को समझने के लिए पहले बाधित विषय को समझिए कि बाधित विषय का लक्षण है प्रमाणांतरावधित साध्य भावो हेतुर बाधित विषय, इस प्रकार से किया जाता है। जिस हेतु के विषय अर्थात साध्य का अभाव किसी दूसरे प्रमाण अर्थात
प्रबलतर दूसरे प्रमाण से निश्चित हो, प्रमाणांतर से निश्चित हो, उस हेतु को बाधित विषय कहते हैं। जैसे कोई अनुमान प्रस्तुत करे कि वह निर अनुष्ण कृतकत्वात घटवत, जैसे अग्नि के कृतक होने से घट के समान अनुष्ण है यानी शीतल है, घट कृतक है अर्थात जन्य है और वह अनुष्ण है यानी उसमें उष्णता नहीं है। इसी प्रकार अग्नि भी जन्य होने से घट के समान अनुष्ण है, क्या ऐसा है? नहीं, अग्नि में तो उष्णता रहती है। और यह किससे पता चलेगा? तो अग्नि में स्पर्श द्वारा त्वाच प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होगा। इसलिए त्वाच प्रत्यक्ष रूप त्वचा के माध्यम से यानी स्पर्श से माध्यम से प्रत्यक्ष होगा। इसलिए त्वाच प्रत्यक्ष रूप प्रमाणांतर से कृतकत्वात इस हेतु के विषय अर्थात साध्य रूप अनुष्णत्व का अभाव उष्णत्व अग्नि में पूर्व सिद्ध होने से यह बाधित विषय नाम का हित्वाभास कहलाता है। इसी प्रकार यदि अग्नि विषय का अनुमान में प्रयुक्त धूमवत्व हेतु के साध्य रूप वहनी का पर्वत में किसी दूसरे प्रमाणों से अभाव निश्चित हो तो धूमवत्व हेतु यह बाधित विषय कहा जाता है। और धूमवत हेतु अबाधित विषय है क्योंकि धूमवत हेतु का विषय अर्थात साध्य जो अग्निमत्व है वह पर्वत के पक्ष में किसी प्रमाण से बाधित या खंडित नहीं है। अतः यह धूमवत्व हेतु अबाधित विषय है। इसका पांचवा है धूमवत्व हेतु में पांचवा धर्म है असत प्रतिपक्षत्व। असत प्रतिपक्षत्व जैसे अबाधित को समझने के लिए बाधित को समझा, वैसे ही असत प्रतिपक्ष को समझने से पूर्व सत प्रतिपक्ष समझना चाहिए कि जिस हेतु का प्रतिपक्ष विद्यमान है उसको सत प्रतिपक्ष कहते हैं। प्रतिपक्ष का लक्षण हमें प्राप्त होता है साध्य विपरीत साधकम तुल्य बल हेतु अनंतरम प्रतिपक्ष। एक हेतु का जो साध्य है उससे विपरीत बात को सिद्ध करने वाला जो तुल्य बल है, जो दूसरा हेतु है, वह प्रतिपक्ष कहलाता है। और जिस हेतु का इस प्रकार से प्रतिपक्ष विद्यमान है उसको सत प्रतिपक्ष हित्वाभास कहते हैं। जैसे शब्दो नित्य अनित्य धर्म अनुपलब्ध है और शब्द अनित्यो नित्य धर्म अनुपलब्ध है, यह दोनों तुल्य बल विरोधी हेतु हैं, अतः एक दूसरे के प्रतिपक्ष भी हैं और दोनों हेतु सत प्रतिपक्ष नामक हित्वाभास कहे जाते हैं। परंतु प्रकृत धूमवत्व धूम हेतु का इस प्रकार का साध्य विपरीत साधक तुल्य बल विरोधी कोई दूसरा हेतु नहीं पाया जाता है, अतएव वह सत प्रतिपक्ष नहीं है अर्थात उसमें असत प्रतिपक्षत्व रूप पंचम हेतु भी विद्यमान है। अतः धूमवत्व हेतु पंच रूपोपपन्न होने से सद हेतु है। यही बात आगे इन दो तीन अध्यांशों में स्पष्ट की गई है। एक है पक्ष के पुनः पक्ष सपक्ष विपक्ष, ये हमने बतलाया कि पक्ष क्या है, इसी की चर्चा अभी की जा रही है। सपक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, ये हम बतला चुके हैं। तदेवम अन्य व्यतिरेकी केवल अन्वयी केवल व्यतिरेकिणो दर्शिता। इसीलिए अन्य व्यतिरेकी केवल अन्वयी केवल व्यतिरेको इनका हमने जानकारी दी। अतो अन्य हित्वाभाषः
तेच असिद्ध विरुद्ध अनैकांतिक प्रकरण सम कालात्यय उपदिष्ट भेदात पंचैव। अब इसके पश्चात हेत्वाभाष की चर्चा करेंगे। हेतु के भेद, हेतु का आभास किस प्रकार से होता है, इसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। आपके कुछ प्रश्न, सुझाव या टिप्पणी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अन्यथा मेरा संपर्क सूत्र आप सभी के पास में है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।